गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम हैं अभी हाईवे पे NH1 और सुबह के बज रहे हैं 7:10। तो आज हम निकल रहे हैं हिमाचल के लिए। अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि फैमिली से मैंने मिलवाया था आपको और मैंने कहा था कि हिमाचल के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं NH1 पे और जैसा मैंने दिखाया फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो सीन है वो अभी ओके है, बट बीच में हाईवे जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है, तो अंदर अंदर गांव से जो है आपको आना पड़ेगा। तो अगर आप NH1 लेके हिमाचल की तरफ जाना चाहते हैं तो जस्ट मेक श्योर दैट यू लीव अर्ली एंड ऑफ कोर्स ड्राइव केयरफुली बिकॉज रोड्स जो है बीच बीच में गांव से जाते हैं। तो अभी हम लोग रुके हैं बीच में NH1 में कहीं पे टू गेट आवर पोल्यूशन चेक ऑफ द व्हीकल, जो कि How are you guys? मिस्टर धितिमान दत्ता जो मेरे ट्रैवल पार्टनर होने वाले हैं अगले 6-7 के लिए वो करवा रहे हैं। एंड डीडी को अगर आपने याद होगा वही बर्थडे वाले व्लॉग में शायद देखा हो, अगर याद हो, याद नहीं हो तो जरूर जाके देखिएगा। तो अभी के लिए हम करवा रहे हैं प्रदूषण चेक और उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ, बिकॉज आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है पटियाला, बिकॉज पटियाले में रहती है डीडी की एक फ्रेंड जिनके घर में आज हमारा रुकने का प्लान है। तो पटियाला थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, चिल करेंगे बिफोर वी रश ऑन टूवर्ड्स हिमाचल टुमारो मॉर्निंग। तो आज का दिन बहुत ही चिल्ड आउट है, 5 घंटे के करीब लगने वाले हैं पटियाला पहुंचने में और बहुत चिल कर रहे हैं। थोड़ी सी नींद आ रही है मेरे को बिकॉज रात को सोया नहीं, ना कि डीडी सोया। तो हम आराम से जा रहे हैं, चलते हैं आगे और कहाँ रुकेंगे क्या करते हैं आगे इस ब्लॉग में आपको दिखाते रहेंगे। सो गाइज वी आर एट पटियाला और हम कहाँ पे हैं पटियाला में डीडी? वी आर एट साक्षीज प्लेस। हु इज साक्षी? टेल द ऑडियंस। साक्षी मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी फ्रेंड है। शी इज वन ऑफ माय वेरी गुड डियर क्लोज बेस्ट फ्रेंड। मतलब मैं जो ओके सो पटियाला आने का रीजन यही है क्योंकि साक्षी से मिलना था। शी यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई है पटियाला। या शी हैज शिफ्ट। सो दिस इज हर प्लेस। बहुत बड़ा घर है, बहुत खूबसूरत घर है। खूबसूरत, द बेस्ट पार्ट इज अंकल has amazing collections of exactly. old school stereos and boom boxes, amazing. iPod as well, and iPod and the Bose SoundLink, which is like now Bose have stopped making it. Correct. And so we are at our place right now, जिस रूम में हम हैं, that is this itself is a massive room. I mean by Delhi standards. Hey, I'm just talking about. हाँ. For example, this old Onida, that TV, right there is an old school Onida. अबे Onida कहाँ दिखता है यार आजकल? तो अभी चिल करते हैं थोड़ी देर, नहाएंगे धोएंगे आराम से चिल करेंगे, उसके बाद साक्षी से मिलवाएंगे। पटियाले में है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी नहा धो लेते हैं उसके बाद मिलते हैं मैं और डैडी बस थोड़ी देर में। हाउ इज द छोला? थम्स अप? आंखें देख लो इसकी, डबल थम्स अप। अभी भटूरे आ रहे हैं। छोले अभी दिखाए हमने आपको, वो साक्षी ने बनाए हैं और इनफैक्ट पूरा लंच का सीन जो है वो साक्षी बना रही है, दैट्स व्हाट शी सेड। छोले आ चुके हैं, भटूरे आने की अभी देरी है। मैं तो खैर थोड़ा लिमिटेड खाता हूँ, बट डीडी कह रहा है कि भटूरे पेल देगा। डीडी पेल दोगे? एकदम पेल देंगे पाजी। पटियाला आके पंजाबी ना बोली तो फायदा क्या है जिंदगी में? अभी आने दो। ओ साक्षी जी, साक्षी। हाय साक्षी। हाय। छोले भटूरे ला रहे हो? As in, the छोले छोले was fantastic, भटूरे भी आने वाले, right? Absolutely. आंटी ने अच्छा बनाया। So that is the girl whom we have come to meet. आंटी ने नहीं बनाया, by the way, साक्षी ने बनाया। He's right here. ये छेड़ रहा है उसको, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। But the छोले was fantastic. Thank you. Looking forward to the भटूरा। Absolutely. And paneer also, by the way. Oh wow, paneer didi. हाँ ठीक है। हाँ didi has already tasted paneer. Oh is it? Yeah. आंटी ने बनाया। आंटी didi का कहाँ? झूठ बोल रही है। Thank you.
one is chicken tandoori. That's machi tandoori. The third one is chicken tikka. The fourth one is machi malli. Machi.